नमस्कार दोस्तों, ट्रक टॉक्स के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं महिंद्रा की फ्यूरियो 11 और फ्यूरियो 12 इन दो गाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों, बिना कोई देर गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम ये दोनों गाड़ियां एक ही वीडियो में कवर कर रहे हैं क्योंकि दोनों गाड़ियों में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महिंद्रा की फ्यूरियो दोस्तों, ये एक ऐसी गाड़ी है जिसे देखकर सभी को इससे प्यार हो जाता है। ये गाड़ी ICV यानी कि इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल्स कैटेगरी में आने वाली एक गाड़ी है जिसमें आपको 11 टन से लेकर 14 टन के GVW फॉर्मेट्स अवेलेबल है। इस गाड़ी में फ्यूरियो 11, फ्यूरियो 12 और फ्यूरियो 14 अलग अलग वेरिएंट्स में अवेलेबल है, जिसमें आपको CBC यानी कि केबिन विथ चेसिस, HSD यानी कि हाई साइड डेक, DHD यानी कि ड्रॉप साइड डेक, फुल्ली बिल्ट कंटेनर और फुल्ली बिल्ट रिफर के पर्याय उपलब्ध है। दोस्तों, इस गाड़ी का डिज़ाइनिंग इटली की एक कंपनी जिसका नाम है पिनिनफरिना, उसने किया था। इस गाड़ी का डिज़ाइनिंग बहुत ही रेडिकल होने के कारण इस गाड़ी को आकर्षक रोड प्रेजेंस प्रदान करता है और लोग भी इस गाड़ी को मुड़ मुड़ कर जरूर देखते हैं। आइए जानते हैं सबसे मूलभूत चीज़ यानी कि फ्यूरियो 11 और फ्यूरियो 12 की एक शोरूम कीमत रेंज के बारे में। दोस्तों, फ्यूरियो 11 की एक शोरूम कीमत की रेंज शुरू होती है 15,50,000 रुपये से लेकर 16,50,000 रुपये के बीच में और फ्यूरियो 12 की एक शोरूम कीमत रेंज शुरू होती है 17,70,000 रुपये से लेकर 18,90,000 के बीच में। दोस्तों, ये एक शोरूम कीमत है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ऑन रोड प्राइस भारत के अलग अलग शहरों तथा राज्यों में ऊपर नीचे हो सकती है, उस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप आपके नज़दीकी महिंद्रा कमर्शियल व्हीकल्स के डीलरशिप में ज़रूर विजिट कीजिएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं महिंद्रा के फ्यूरियो के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इंजन की बात करें तो इस गाड़ी में महिंद्रा का इन हाउस MDI टेक 3500 cc का 4 सिलेंडर्स इनलाइन डीजल BS4 इंजन फ्यूल स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, ये इंजन मैक्सिमम पावर देता है 140 HP की 2400 RPM पे और 525 न्यूटन मीटर का तगड़ा टॉर्क 1250 से 1800 के RPM पे। गियरबॉक्स की बात करें तो महिंद्रा की फ्यूरियो में फुल्ली सिंक्रोमेश टाइप 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है 362 mm डायमीटर के ऑर्गेनिक क्लच के साथ। सस्पेंशन की बात करें तो आगे वाले एक्सल पर पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग टाइप सस्पेंशन हाइड्रोलिक एवं टेलीस्कोपिक शॉक ऑब्जर्वर्स के साथ दिया गया है और आगे वाले एक्सल पर एंटी रोल बार का प्रयोग भी किया गया है। पीछे वाले एक्सल पर सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग टाइप सस्पेंशन हाइड्रोलिक एवं टेलीस्कोपिक शॉक ऑब्जर्वर्स के साथ दिया गया है। ब्रेक्स की बात करें तो इस गाड़ी में हाइड्रोलिक ड्यूअल सर्किट फुल एयर एस्कैम ब्रेक सिस्टम ABS यानी एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ दिया गया है। दोस्तों, आइए जानते हैं महिंद्रा फ्यूरियो 11 और फ्यूरियो 12 के वजन और आयाम यानी कि वेट्स एंड डायमेंशंस के बारे में। दोस्तों, फ्यूरियो 12 की बात करें तो इसका GVW यानी कि ग्रॉस व्हीकल वेट है 11,990 किलो यानी कि लगभग अप्रॉक्सीमेटली 12 टन। और दोस्तों, इस गाड़ी में आप 7.5 से 8 टन का रेटेड पेलोड ले जा सकते हैं। दोस्तों, महिंद्रा की फ्यूरियो 12 में आपको 20.5 फीट, 22 फीट और 24 फीट के लोड बॉडी स्पैन्स अवेलेबल है, जिसमें आपको रिफर कंटेनर और केबिन विथ चेसिस, हाई साइड डेक और फिक्स साइड डेक्स के पर्याय उपलब्ध है। दोस्तों, इस गाड़ी में आपको 190 लीटर का डीजल फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा और इस गाड़ी में आपको 16 प्लाई रेटिंग वाले R20 यानी कि 20 इंच के टायर्स दिए गए हैं। फ्यूरियो 11 के वजन और आयाम की बात करें तो दोस्तों, इस गाड़ी का GVW यानी कि ग्रॉस व्हीकल वेट है 11,100 किलो का यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 11 टन का। दोस्तों, इस गाड़ी में आप 7 से 8 टन का रेटेड पेलोड ले जा सकते हैं। फ्यूरियो 11 में आपको 17 फीट और 22 फीट के लोड बॉडी स्पैन्स दिए गए हैं, जिसमें आपको केबिन विथ चेसिस, हाई साइड डेक, कंटेनर और फिक्स साइड डेक के पर्याय उपलब्ध है। इस गाड़ी में आपको 160 लीटर का डीजल फ्यूल टैंक दिया गया है और उसी के साथ साथ इस गाड़ी में 235/75 के 17.5 इंच के टायर्स दिए गए हैं। आइए देखते हैं महिंद्रा फ्यूरियो 11 और फ्यूरियो 12 के कॉम्पिटिटर्स यानी कि प्रतिस्पर्धियों के बारे में। तो दोस्तों, GVW के साथ कंपेयर करें तो महिंद्रा की फ्यूरियो 11 मार्केट में मौजूद टाटा मोटर्स की LPT 1109, आइशर की प्रो 1110, SML यानी कि स्वराज मजदा लिमिटेड की सम्राट HD19, भारत बेंज की 1014R, अशोक लेलैंड की इकोमेट 1112 और अशोक लेलैंड की गुरु 1010 इन गाड़ियों के साथ मुकाबला करेगी। और दोस्तों, महिंद्रा के फ्यूरियो 12 मार्केट में मौजूद टाटा मोटर्स की LPT 1212, आइशर की प्रो 1110 XP, भारत बेंज की 1214R, SML यानी कि स्वराज मजदा लिमिटेड की सुपर 12XM, अशोक लेलैंड की इकोमेट 1212 और अशोक लेलैंड की गुरु 1111 इन गाड़ियों के साथ मुकाबला करेगी। दोस्तों, माइलेज एवरेज की बात करें तो इस गाड़ी से आप 7 से 8 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, गाड़ी का माइलेज, गाड़ी को चलाने का तरीका, क्लच का इस्तेमाल, गाड़ी में की हुई लोडिंग और रास्ते की कंडीशन, इन चार चीज़ों पर निर्भर करता है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं महिंद्रा फ्यूरियो की फीचर लिस्ट के बारे में। दोस्तों, दिखने में तो गाड़ी बहुत ही अव्वल और खूबसूरत है
और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है और आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। दोस्तों इस गाड़ी में डे केबिन का प्रयोग किया है और दोस्तों इस केबिन का प्रयोग किया होने के बावजूद इस गाड़ी में स्लीपर बर्थ की प्रोविज़न दी गई है। इसके अंदर फोल्डेबल स्लीपर बर्थ दिया गया है ताकि एक बंदा स्लीपर बर्थ के ऊपर और दूसरा बंदा नीचे सीट पर बड़ी आसानी से सो सके। इस गाड़ी में फ्यूल स्मार्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, उसी के साथ साथ इसमें मल्टी मोड स्विचेस जिसमें टर्बो, हैवी और लाइट मोड्स दिए गए हैं ताकि ड्राइवर गाड़ी लोडेड होने पर और गाड़ी खाली होने पर ऑप्टिमम फ्यूल एफिशिएंसी पा सकता है। इस गाड़ी के MID यानी कि मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में DIS यानी कि ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम की सुविधा दी गई है जिसमें ड्राइवर को इंजन RPM, फ्यूल लेवल्स, ट्रिप कंप्यूटर, ट्रिप किलोमीटर्स, बैटरी वोल्टेज इंडिकेटर और सर्विस रिमाइंडर जैसी सुविधा दी गई है। इस गाड़ी में ड्राइवर कंफर्ट के लिए एडजस्टेबल पावर स्टीयरिंग, 4-way एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, कार जैसे इंटीरियर्स, फोल्डेबल स्लीपर बर्थ, लॉकेबल ग्लव बॉक्स और स्टोरेज प्लेसेस, ब्लोअर्स, सन वाइजर्स, इंटीरियर लाइट्स, 12 वोल्ट का चार्जर और क्लियर लैंप्स हेडलैम्प्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में आपको महिंद्रा की तरफ से 5 साल या 5 लाख किलोमीटर्स की वारंटी भी दी गई है। आइए देखते हैं इस गाड़ी के एप्लीकेशंस यानी कि इसे आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में। दोस्तों महिंद्रा के फ्यूरियो को आप पार्सल लॉजिस्टिक्स, मार्केट लोड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, MS कंटेनर, रेफ्रिजरेटेड कंटेनर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईट, पत्थर, सीमेंट बैग्स, ग्रेन बैग्स, ई कॉमर्स और FMCG यानी कि खाने पीने के प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको महिंद्रा की फ्यूरियो 11 और फ्यूरियो 12 मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अधिक जानकारी पाने के लिए आप महिंद्रा की वेबसाइट पर ज़रूर विजिट कर सकते हैं और इनके टोल फ्री नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो का लाइक बटन भी दबा दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही किसी गाड़ी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए AAA Diecast & Vlogs, ट्रक टॉक्स। बाय बाय, जय हिंद।